अरे बाप रे। तो दोस्तों मेरे पास अभी यहाँ पे देख सकते हैं जैक मिस्टर या जैक मास्टर का एक ब्लोअर है, एयर ब्लोअर। तो रिसेंटली मैंने ये परचेस किया है मेरे कंप्यूटर को साफ करने के लिए, और इसका प्राइस अप डाउन थोड़ा होता रहता है, 600 या 700 के बीच में आपको ये मिल जाएगा। तो इसका मैं आज एक रिव्यू देने वाला हूँ, आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ ये कैसे काम करता है, और इसका अनबॉक्सिंग करके भी दिखाने वाला हूँ क्या क्या इसमें मिलता है। और ये मेनली 6 महीने का वारंटी के साथ आता है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। हाई पावर ब्लोअर लिखा हुआ है और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे इसका कुछ फीचर वगैरह दिया हुआ है और हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। इसका एक्सटेंडेड एक पाइप दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं जैक मास्टर का ब्रांडिंग है। और ये रहा पावर केबल, पावर केबल इसके साथ अटैच है। और ये वाला जो कपड़ा दिया गया है इसको डस्ट बैग बोलते हैं ब्लोअर के लिए। यहाँ पे ऐसे अच्छी तरह से अटक गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रिक ब्लोअर लिखा हुआ है, 600 वाट का है और ये 15,000 आरपीएम का है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्विच है और अंदर एक वारंटी कार्ड यहाँ पे देखिए दिया हुआ है और एक यूजर मैनुअल भी दिया हुआ है। इसमें वैक्यूम क्लीनर और ब्लोअर दोनों है। वैक्यूम क्लीनर को यूज़ करने के लिए ये जो पाइप है इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ऐसे घुमाने से ये लग गया है। अभी जो ये डस्ट बैग है उसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। डस्ट बैग में देखिए यहाँ पे एक चेन दिया गया है, जो डस्ट वगैरह है वो ये निकालने के लिए यहाँ पे ये चेन दिया गया है। तो आपको एक टेस्ट करके दिखा देते हैं वैक्यूम क्लीनर का कितना पावर है। तो चलिए अभी सक्सिंग पावर टेस्ट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कुछ कागज का टुकड़ा है, इसको देखते हैं कैसे लेता है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं कागज का टुकड़ा बहुत ही आसानी से ये अंदर ले लिया है, लेकिन ये कागज का टुकड़ा वैक्यूम करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ धूल को साफ करने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये ओपन करके यहाँ पे देखिए ये कागज का टुकड़ा तो यहाँ पे अटक गया है, लेकिन अगर धूल हो तो यहाँ पे अंदर जाके यहाँ पे धूल ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एकदम छोटा छोटा जो कागज का टुकड़ा था यहाँ पे आ गया है। तो मेनली ये धूल को साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर दिया गया है। तो मेनली इसका काम वैक्यूम क्लीनिंग नहीं है, मेनली इसका तो काम है ब्लोअर, ये ब्लोअर का ही काम अच्छी तरह से करता है। और मैंने ये कंप्यूटर को साफ करने के लिए ही परचेस किया है, वो अभी दिखा देते हैं ब्लोअर कैसे काम करता है। ब्लोअर के लिए ये वाला जो पाइप है यहाँ पे सामने लगाना पड़ेगा। तो मैंने अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को दोनों तरफ से खोल दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीपीयू का जो कूलिंग फैन है इसमें कितना धूल जम गया है, ग्राफिक्स कार्ड या कहीं पे भी बोलिए बहुत ही धूल जम गया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत सारा धूल जम गया है। तो ये आपको साफ करके दिखा देते हैं। अरे बाप रे, बहुत सारा धूल है। अरे बाप रे, बहुत सारा धूल है। तो ये बहुत अच्छी तरह से काम करता है, पूरा एकदम साफ कर रहा है। तो पूरा एकदम साफ करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए चारों तरफ, नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए पूरा एकदम धूल जम गया है पूरा। ये सब मेरे इस डेस्कटॉप से निकला है। अरे बाप रे, तो ये ब्लोअर बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, पूरा एकदम अंदर देखिए साफ हो गया है पूरा, कितना धूल निकल गया यहाँ से। और एक चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए एक स्विच है, ये इसको लॉक करने का स्विच है, आपको दिखा देते हैं। ये ऑन करने के बाद ये देखिए मैंने छोड़ दिया है, तो ये आप अगर कंटिन्यू चलाना चाहते हैं तो इस बटन को प्रेस करके ये लॉक कर दीजिए, ये चलता ही रहेगा। और इसको अनलॉक करने के लिए फिर से एक बार दबा दीजिए, ये अनलॉक हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा फीचर है।
तो इस प्राइस रेंज में 600 या 700 के बीच में आपको ये मिल जाएगा। इस प्राइस रेंज में ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कंप्यूटर तो हमेशा चलता ही रहता है, इसीलिए धूल जम जाता है बहुत सारा, तो उसको साफ करने के लिए ये मैंने परचेस किया था। तो बहुत अच्छी तरह से ये साफ हो जाता है, मतलब इसका ब्लोअर वाला जो फीचर है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसका वैक्यूम क्लीनर वाला जो फीचर है वो उतना खास नहीं लगा है, उतना जोर भी नहीं है, लेकिन ब्लोअर बहुत ही पावरफुल है। तो ब्लोअर के हिसाब से आप परचेस करना चाहते हैं तो इसको जरूर ले सकते हैं, इस प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा है। तो ये प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। तो वीडियो इतना तक ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे क्रिएटिव।